आप लोग, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल अबाउट वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वाटर प्रूफिंग रिटेनिंग वाल का कैसे होता है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, हमारी जो RCC का कलर होता है कुछ इस तरह से होता है, तो जो हमारी रिटेनिंग वाल डल जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा वाटर प्रूफिंग केमिकल आता है उसको ब्रश से एक लेयर इसके ऊपर, देखिए एक लेयर ये पूरा लगा हुआ है। लगाने के बाद इसको एक दिन सूखने के लिए इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन प्लास्टर होता है इसके ऊपर, ताकि ये इसको प्रोटेक्ट कर सके, किसी चीज़ से ख़राब ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि वो प्लास्टर मोटा होता है, करीबन 20 mm के करीब होता है मोटा वो। तो 20 mm रोकने के लिए पहले हम एक लेयर अनियमन मसाला इसके ऊपर लगाते हैं, ताकि वो अनियमन सा हो जाए, वो रुक जाए। हार्ड मसाले का बना के मोटर उसको करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट डे उसके ऊपर फाइनल प्लास्टर करते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से वो करते हैं। अब देखिए, ये मसाला बना हुआ है, इस तरह से गीला मसाला हम बना लेंगे। उसके बाद देखिए, इस तरह से उसके ऊपर हम छाट देते हैं इसको। एक बार करके दिखाना, किस तरह से करते करके दिखाओ। देखो, इस तरह से हम इसके ऊपर करनी से फेंक देंगे, ये इसके ऊपर चिपक जाएगा। और उसके बाद देखिए, पूरे में इस तरह से ही ऐसे कर देंगे इसको, ठीक है, पूरे में ही एक लेयर बन जाएगी इसकी। तो ये क्या है, सूखने के बाद कैसा हो जाता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने ये दो प्रोसेस तो देख लिया कि एक पहले तो उसके ऊपर हम केमिकल लगा देते हैं, उसके बाद इस तरह से हार्ड मसाला बना के इसके ऊपर हम एक लेयर बनाते हैं, खुरदरी लेयर, जिसके ऊपर हमारा प्लास्टर रुक सके। वो मैं आपको दिखाता हूँ सूखने के बाद किस तरह से हो जाता है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डे कुछ इस तरह से ये खुरदुरा सा देखिए हो गया ये, और ये छूटेगा भी नहीं। अब ये क्या है, हमारा एक तरह से एक बेस तैयार हो गया, इसके ऊपर हम प्लास्टर कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा प्लास्टर कुछ, देखिए 20 mm के करीब का प्लास्टर होता है। अभी देखिए, इसके ऊपर ये अपना हम प्लास्टर कर देंगे। प्लास्टर होने के बाद कुछ वाल हमारी इस तरह से फिनिश हो जाएगी, तो देखने में हमारी काफ़ी अच्छी भी लगती है ये। तो मैं आशा करता हूँ मेरी इस दी गई जानकारी से आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, धन्यवाद।